नमस्कार दोस्तों, आज का हम ट्रेड प्लान हिंदी में कर रहे हैं और फिलहाल बाजार जो है बहुत एक नैरो रेंज में है, 11,750 से लेके 12,000 तक। और बहुत ज़रूरी है कि आप लोग रिजेक्शंस पे काम करें। जब एक किसी लेवल पे मजबूत रिजेक्शन आए तब सौदा लेने की कोशिश करें। फिलहाल देखते हैं अमेरिका में क्या हुआ। ये है S&P 500। यहाँ पे परसों की लाल बार के बाद फिर एक छोटी लाल बार बनी है, बट यहाँ कोई ऐसी मजबूती नहीं नजर आती। तो ऐसा लगता है कि इलेक्शन की अनसर्टेनिटी की वजह से जो है बाजार थोड़ा सा कमजोर है अमेरिका में। अब हिंदुस्तान की बात करें तो आज जो है SGX आपको 41 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है। अब अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं तो इस जोन में 11,854 11,840 के आसपास एक पिवट है। तो अगर हम इस जोन में तो यहाँ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ठीक है। तो चांसेस आर कि आप गैप डाउन यहाँ करें, और अगर ये जोन रिजेक्ट होना शुरू हो जाता है तब आप काम जो है लॉन्ग साइड पे करने की कोशिश करें। लेकिन आज निफ्टी पे मेरा इतना अच्छा रुझान नहीं है जितना कि बैंक निफ्टी पे है, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत एक मजबूत एक्शन देखने को मिला है। और बैंक निफ्टी खासकर ऐसा लगता है कि जो उसकी रीसेंट एक रेंज थी, अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखें, ये एक रेंज जो थी 24,835 वाली, ये शायद ये आज क्रॉस कर सकता है। तो एशिया बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, तो इसके चलते बैंक निफ्टी में कम से कम रैली आ सकती है। ऐसा नहीं लगता कि हम एशिया की वजह से नीचे जाएंगे, लेकिन मुद्दा क्या है कि हमारे पास फॉलो थ्रू आना चाहिए। तो बेसिकली बाजारों को नीचे खुलने दें इस तरह का गैप डाउन, और फिर उसके बाद जैसे ही ये इस गैप का हाई लेकर जाए तो आपको एक्ट करना चाहिए। देखिए, वाइल हम इस टॉपिक पे हैं, इसमें टारगेट आपको 25,200 तक का मिल सकता है। यहाँ पे आपका स्टॉप मेरे हिसाब से 200 पॉइंट का स्टॉप जो है गैप डाउन के बाद 24,500 तक रखने में कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं कहना चाहता था वो ये था कि कल काफी लोग हैरान हुए कि बाजार नीचे क्यों नहीं गया। तो बैंक निफ्टी में आप देखें तो बैंक निफ्टी में जो रिजेक्शन थी
वो इस लेवल की नहीं थी, रिजेक्शन इस लेवल की थी। तो जब भी कभी आपको इस तरह का एक्शन नजर आए जहां पे इमीडिएट मार्केट वापस दूसरी तरफ जाए, तो ये जो है ये अगर आप इसको आधे घंटे के टाइम फ्रेम में देखें, तो आपको एक्चुअली इस तरह का की चीज नजर आएगी जो कि एक बहुत बुलिश पैटर्न होता है। तो अगर इस तरह का आपको कुछ आज भी मिलता है तो मेरे हिसाब से उसको आप ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। सिमिलरली निफ्टी पे भी अगर हम आधे घंटे वाला चार्ट लगाएं तो यहां भी ये इसी तरह का पैटर्न आपको नजर आ रहा है। ये खासकर तब बनता है जब किसी ऐसे वीकली लेवल पर बाजार हो। तो आपने देखा होगा यहां भी इसी तरह का पैटर्न बना था 750 पे। तो बेसिकली जब भी इस तरह की फॉर्मेशन होती है तो आपको दूसरी तरफ बहुत बढ़िया ट्रेड मिलता है। इसलिए आज भी आप इंतजार करें कि पहले आधे घंटे में क्या होता है। मेरे हिसाब से अगर एक बड़ी बार बनती है, बड़ी बार का मतलब गैप डाउन भी हो सकता है और फाइनली बाजार उस गैप के को फिल करके ऊपर की तरफ चलना शुरू होता है, तो यहाँ आपका बाइंग जोन है। ठीक है, अगर आप यहाँ भी लेते हो तो बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हम वापस ऊपर जा रहे हैं। सिमिलरली यहां पर भी आप ये देखेंगे कि ऊपर से ये रिवर्सल टाइप का पैटर्न बनना शुरू हुआ। जब भी कभी इस तरह के पैटर्न आपको नजर आए तो कोशिश ये करें कि दो तरह से बाजार चल सकते हैं। एक होता है रिवर्सल पैटर्न और एक होता है रेंज ब्रेकडाउन। तो जब भी आपको इनिशियली बड़ी बार देखने को मिले, जैसे ये थी पहले 5 मिनट में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अगर आपने आधा घंटा चीज को सेटल होने दिया तो फाइनली आपको अच्छा एक अपसाइड मिल गई। कहने का मतलब ये है कि अगर रिजेक्शन में भी आप रुकते हैं तो ये जरूरी नहीं था कि आपको यहाँ पे बात समझ में आनी चाहिए। अगर आपको लोएस्ट पॉइंट नहीं भी मिला लेकिन इस तरह के जोन में आपने एंट्री करी तो भी आपको ठीक ठाक ऊपर 70-80 पॉइंट मिल गए। कुछ लोग इस कंफ्यूजन में होते हैं कि यहाँ नहीं ले पाए तो गाड़ी छूट गई, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब रिजेक्शन होगी तो फिर एक कंसोलिडेशन भी होती है और वहां से आप ले सकते हैं। एक चीज और, बहुत से लोग लंबे समय के ऑप्शन लेते हैं, जैसे 1 महीने का ऑप्शन ले लिया। अगर आपको इस तरह की
का रिवर्सल नजर आ रहा है तो वीकली ऑप्शन भी बहुत बढ़िया चलता है। अब कल मैं बात कर रहा था कि हमारे टाइम में अनिल कुंबले होते थे क्रिकेटर, उनकी कुछ लोग बहुत बढ़िया पिटाई करते थे। तो एक बारी किसी ने पूछा कि आप इनको इतना बढ़िया कैसे खेलते हैं, तो हर्षल गिब्स था साउथ अफ्रीका के, उन्होंने कहा कि मैं इनको स्पिनर समझता ही नहीं, मैं इनको मीडियम पेसर समझता हूँ। इसी तरह वीकली ऑप्शन को वीकली ऑप्शन ना समझें, उसको फ्यूचर ही समझें। तो जब भी कभी तेज मूवमेंट आए तब आपको वीकली ऑप्शन का प्रयोग करना चाहिए, तो उससे आपको ऑप्शन में जो प्रीमियम ईटिंग का खतरा होता है उससे आप बचेंगे। आज बहुत मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं नजर आ रही सिवाय बैंकिंग के, तो आज बहुत बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। फॉलो थ्रू देखना पड़ेगा कि कल के बाद प्राइवेट बैंक्स में फॉलो थ्रू आता है या नहीं, और वो फाइनली ग्लोबल बाजार जो है वो रिकवर होते हैं या नहीं, क्योंकि अगर बाजार साइडवेज गया तो आपको बहुत ज़्यादा वीकली या मंथली ऑप्शंस में फायदा नहीं होगा। तो क्रिटिकल बात ये है कि कल की रैली के बाद बैंक क्या करते हैं। निफ्टी में मुझे उम्मीद नहीं है कि वो 12,000 के पार जाएगा, और ऐसा हो सकता है कि क्योंकि वो एक कमज़ोर इंडेक्स है वो कुछ ज़्यादा साइडवेज चले, लेकिन बैंकों में लोअर लेवल पे देखना पड़ेगा कि आपको अच्छी रिजेक्शन मिलती है या नहीं मिलती। अब कल परसों मैंने SBI कार्ड्स पे एक वीडियो डाला था कि डायग्नोस्टिक स्पेस जो है डॉक्टर लाल पैथलैब वगैरह इस पे डाला था, तो उससे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ बेनिफिट हुआ होगा। आज के लिए बायर्स हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे, ACC पे, जी एंटरप्राइजेस पे, एशियन पेंट्स पे और बजाज फाइनेंस पे। थोड़ा सा फाइनेंशियल्स की तरफ झुकाव है, तो डिक्लाइन पे प्राइवेट बैंक्स में खरीदारी करने की कोशिश करें। और एक चीज ध्यान रखें कि अगर मार्केट सॉफ्ट है तो उसमें प्रवेश ना करें अनलेस कोई रिजेक्शन होती। रिजेक्शन अभी मैंने आपको दिखाई कि पहली लाल बार नीचे जाती है और वो इमीडिएटली क्लीन आउट होती है ग्रीन बार से, तो अनलेस उस तरह का सिनारियो है तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा नहीं बनती। क्यों? क्योंकि 11,830-11,850 एक लेवल है, लेकिन वो कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है, और बैंकों में एक दिन की ज़बरदस्त रैली के बाद हमें देखना पड़ेगा कि वो 24,800 से कैसे डील करता है। तो ये सारा कुछ जो है देखने वाली बातें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आज अग्रेसिव ट्रेडिंग करने से फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग अब ऐसे ओवरसोल्ड जोन में नहीं है जहाँ पे इमीडिएट आपको बहुत मजबूत रिवर्सल मिले। तो फिलहाल के लिए इतना ही, टेक केयर, ट्रेड वेल और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें।